हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर की पोएम, जिसका नाम है द लोटस ईटर, जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। एंड इस पोएम में टू पार्ट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट में 5 पैराग्राफ हैं। एंड हमने 3 पैराग्राफ की जो समरी है वो प्रीवियस वीडियो में कर ली है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज हम 2 पैराग्राफ की जो समरी है वो इस वीडियो में समझेंगे। तो स्टार्टिंग लाइन्स हैं, ब्रांचेस दे बोर ऑफ दैट इंचेंटेड स्टेम, कि जहाँ पर सेलर जिस लैंड पर रुके थे उस लैंड के जो मूल निवासी थे उन्हें लोटस ईटर के नाम से जाना जाता था, और उन्हीं लोटस ईटर ने वहाँ पर रुके हुए जो सेलर्स थे उनके लिए वो ब्रांचेस लेकर आते हैं, और वो जो ब्रांचेस हैं वो उसी प्लांट की होती हैं जो कि इंचेंटेड यानी कि मुक्त कर देने वाले स्टेम से तोड़कर लेकर आते हैं। और ये जो ब्रांचेस होती हैं लदेन विथ फ्लावर एंड फ्रूट्स, ये जो ब्रांचेस हैं ये लदी हुई थी विथ फ्लावर एंड फ्रूट्स, उनके ऊपर यानी कि उन ब्रांचेस पर फ्लावर और फ्रूट्स लगे हुए थे। वेयर ऑफ दे गेव टू ईच, और वो जो लोटस ईटर थे उन्होंने सभी वहाँ पर जितने भी सेलर्स थे उन सभी को क्या है वो फ्रूट्स दिए। बट हुज डिड रिसीव ऑफ दैम एंड टेस्ट, लेकिन सभी सेलर ने उन फ्रूट्स को रिसीव नहीं किया, कुछ ही सेलर थे जिन्होंने उन फ्रूट को लिया और उसे टेस्ट किया, मीन्स कि उसे खाया। एंड जैसे उन्होंने खाया तो वो भी क्या है एक नशे में आ गए थे, उन्हें जो सारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा शांत लगने लग गया, और इसी शांत इन्वायरमेंट में टू हिम द गशिंग ऑफ द वेव फार फार अवे डिड सेम टू मॉन, तो इसी शांत इन्वायरमेंट में उन्हें वो जो समुद्र में चलने वाली तेजी से जो लहरें थी उन्हें सुनाई दे रही थी उसकी आवाज़, और ऐसा लग रहा था कि ये जो वेव्स हैं ये क्या है मौन यानी कि दुखी हैं और अपने दुख को प्रकट कर रही हैं, एंड ये रो रही हैं एंड रेव ऑन एलियन शोर, और ये क्या है कि उस शोर के साथ टकरा रही हैं, यानी कि जो सी वेव्स हैं वो सी का जो शोर है उसके साथ टकरा रही हैं, और टकराने के साथ ही क्या है कि वो कुछ आवाज़ें निकालती हैं, और यही जो आवाज़ें हैं इसमें उनके रोने की उनके दुख के बारे में पता चल रहा है। एंड इफ़ हिज फेलो स्पोक हिज वॉइस वॉज थिन एज वॉइस फ्रॉम द ग्रेव, एंड इसके साथ ही जिन लोगों ने उस लोटस फ्रूट को खाया था तो उनकी जो आवाज़ थी वो चेंज हो चुकी थी, अब जो उनकी वॉइस है वो बहुत ज़्यादा थिन थी, एंड इसके साथ ही उनकी जो वॉइस है वो बहुत ज़्यादा डरावनी भयानक सी आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि इनकी जो वॉइस है फ्रॉम द ग्रेव कि ये ग्रेव से आ रही है। एंड डीप अस्लीप ही सीम्स येट ऑल अवेक, और उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बहुत ज़्यादा गहरी नींद में है लेकिन वो जागे हुए थे, यानी कि जैसे उन्होंने उस लोटस ईटर फ्रूट को खाया तो इससे क्या हुआ कि उनके ऊपर एक नशा सा आ गया जिसके कारण वो जागे हुए थे, बट उनकी जो आंखें हैं ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में हैं। एंड म्यूज़िक इन हिज ईयर हिज बीटिंग हार्ट डिड मेक, एंड इसके साथ ही उन्हें क्या है उनके ईयर्स में यानी कि उन्हें कुछ म्यूज़िक सुनाई दे रहा था, और ये जो म्यूज़िक है ये उनकी हार्ट बीटिंग यानी कि जैसे उनका हार्ट बीट कर रहा था जो उनका हार्ट है वो धड़क रहा था, तो वो उस धड़कन से क्या है कि उन्हें कोई म्यूज़िक सुनाई दे रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी जो हार्ट बीटिंग है वो एक प्रकार का म्यूज़िक है और वही म्यूज़िक उनके कानों में जा रहा था। दे सेट डैम डाउन अपन द येलो सैंड, एंड इसके साथ ही जैसे ही सेलर ने वो लोटस फ्रूट खाया तो उसके बाद क्या है कि वो नीचे बैठ जाते हैं लैंड पर येलो सैंड पर। बिटवीन द सन एंड मून अपन द शोर, और वो जो टाइम था तो वो शोर पर बैठ यानी कि वो येलो सैंड पर बैठ जाते हैं, और उसी समय क्या है कि जो सन है वो सेट हो रहा था और जो मून है वो भी था, यानी कि वो बिटवीन बीच का समय था, आप समझ सकती हो संध्या के टाइमिंग पर। एंड यट एंड स्वीट इट वॉज टू ड्रीम ऑफ फादरलैंड, और उन्होंने यानी कि उस फ्रूट को खाया हुआ था जिसके कारण क्या होता है कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो नींद में है यानी कि वो आधी नींद में थे, और इसी नींद में क्या है कि वो ड्रीम देख रहे थे अपने फादरलैंड का, उस लैंड का जहाँ पर वो रहते थे, ऑफ चाइल्ड ऑफ वाइफ एंड स्लेव, यानी कि वो अपने फादरलैंड का अपने बच्चों का अपनी वाइफ का और अपने जो सर्वेंट्स वगैरह थे उन सब का क्या है वो सोच रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ड्रीम ले रहे हों। बट एवर मोर मोस्ट वेरी सीम्स द सी वेरी द ओर वेरी द वंडरिंग फील्ड ऑफ बैरन फॉर्म, बट क्या था कि जैसे उन्होंने उस फ्रूट को खाया था तो उसके बाद उनको आसपास का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था, जो सी है वो भी उन्हें क्या है वेरी थका हुआ लग रहा था, और जो फील्ड है वहाँ के जो खेत हैं जो बंजर भूमि थी वो सब क्या है उन्हें थकी हुई लग रही थी। देन समवन सैड वी विल रिटर्न नो मोर, और क्या है कि जिन लोगों ने भी उस फ्रूट को खाया था
उन्हीं में से एक पर्सन ने कहा कि अब हम वापस नहीं जाएंगे एंड ऑल एट वंस दे सैंग एंड इसके बाद सभी गाना गाने लग गए जिन्होंने भी वो उस फ्रूट को खाया था. अवर आइलैंड होम इज़ फार बियॉन्ड द वेव वी विल नो लॉन्गर रोम कि हमारा जो आइलैंड है जहाँ पर हम रहते हैं जहाँ हमारा घर है वो बहुत ज़्यादा दूर है और हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं इसी कारण अब हम ज़्यादा भटकना नहीं चाहते हैं और यही जिस आइलैंड पर हम रह रहे हैं अब हम इसी आइलैंड पर रहेंगे. सो होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल. Thank you friends for watching my video. Thank you.